खुशामदीद वेलकम, मैं फहद बाबू वजीर। तेलंगाना की सियासत अब गर्मा चुकी है। 7 जुलाई को हमने देखा कि मल्लिकार्जुन एमपी रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने टीपीसीसी सदर चुना और उन्होंने कल गांधी भवन में अपने ओहदे की कमान संभाली। इस चीज़ में ये चीज़ देखने को मिली कि रोडों पर आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा उनके स्वागत के लिए, और ये चीज़ देखने को मिली कि कांग्रेस अब तेलंगाना में फिर से जिंदा हुई है। दूसरी ओर बीजेपी के सिकंदराबाद एमपी किशन रेड्डी को यूनियन मिनिस्टर से सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया गया। आज 8 जुलाई है। वाईएस राजशेखर रेड्डी के बर्थडे के मौके पर वाईएस शर्मिला ने वाईएसआर टीपी पार्टी लॉन्च की। ये पार्टी उन्होंने जेआरसी कन्वेंशन जुबली हिल्स में लॉन्च की, और ये चीज़ देखने को मिली कि कई सारे लोगों ने इस पार्टी लॉन्च में शिरकत की। धूमधड़ाके से इस पार्टी का लॉन्च हुआ। रोडों पर होर्डिंग्स भी देखने को मिले, पर यह चीज़ गौर करने लायक थी कि वाईएस जगन का एक भी फ़ोटो कोई होर्डिंग में मौजूद नहीं था। ना अभी तक वाईएस जगन किसी भी इवेंट में तेलंगाना के दिखाई दिए अपनी बहन के साथ। जहां पर वाईएस जगन अब आंध्रा के सीएम हैं, वहीं दूसरी ओर वाईएस शर्मिला तेलंगाना पर नज़रें जमाई हुई है। इस चीज़ से यह चीज़ वाजे हो चुकी है कि आने वाला इलेक्शन तेलंगाना में कांटे की टक्कर का होगा। देखते हैं इस पार्टी लॉन्च की कुछ झलकियाँ। मैं फहद बाबू वजीर, साइनिंग ऑफ।